अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ चिकन नूडल्स की रेसिपी। चलो तो मैं इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 150 ग्राम नूडल्स। यहाँ पर मैंने सारे वेजिटेबल्स ली है। इसमें मैंने कैप्सिकम, कैरेट, स्प्रिंग अनियन, ऑनियन और कैबेज लिया है, चॉप्ड गार्लिक, 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, वाइट विनेगर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ चिकन क्यूब। और व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने चिकन ली है 250 ग्राम, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून व्हाइट विनेगर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम चिकन में मिला लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोया सॉस, व्हाइट विनेगर, जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एंड बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से हमारी चिकन बहुत अच्छी टेंडर हो जाएगी। सारी चीज़ों को बराबर से मिक्स कर लेना है। और चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। देखिए व्यूवर्स, सारी चीज़ों को मैंने बराबर से मिक्स कर लिया है। अभी चिकन को हम मैरिनेट करने के लिए 15 मिनट तक छोड़ देंगे। व्यूवर्स, एक साइड पर मैंने चिकन को मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया है और यहाँ पर मैंने 1 लीटर पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून नमक मिला लिया है। अभी इसमें उबाल आए तब तक हमें वेट करना है। देखिए व्यूवर्स, पानी में उबाल आ चुका है, तभी मैं इसमें नूडल्स मिला लूँगी। नूडल्स को 90% तक हमें कुक कर लेना है। और जब भी आप नूडल्स बॉईल करें तो पानी में बराबर से उबाल आ जाए तभी इसमें नूडल्स मिलाइए। देखिए व्यूवर्स, नूडल्स हमारे कुक हो चुके हैं 90% तक। तभी मैं गैस की फ्लेम को ऑफ करती हूँ। और नूडल्स में से पानी को छान लेती हूँ। व्यूवर्स, मैंने नूडल्स में से गर्म पानी को छान लिया है और यहाँ पर मैंने एक बाउल में ठंडा पानी लिया है। तो अभी सारे नूडल्स को मैं ये ठंडे पानी में डाल दूंगी। और ठंडे पानी में हमें नूडल्स को 5 मिनट तक रखना है। देखिए व्यूवर्स, 5 मिनट हो चुकी है। तो अभी मैं नूडल्स में से ठंडे पानी को छान लेती हूँ। व्यूवर्स, मैंने ठंडे पानी को छान लिया है और अभी हमारे नूडल्स रेडी हो गए हैं। तो अभी मैं इसमें 2 टीस्पून जितना ऑयल मिला लूँगी। इसको बराबर से लगा लूँगी सभी नूडल्स पे। ऐसा करने से हमारे नूडल्स खुले खुले बनते हैं, नूडल्स स्टिकी नहीं होते हैं। तो जब भी आप नूडल्स बॉईल करिए यही मेथड से करिए। व्यूवर्स, नूडल्स हमारे बॉईल हो चुके हैं। तो अभी हम हमारे चिकन को देख लेते हैं। 15 मिनट हो चुकी है। मसाला चिकन हमारे मैरिनेट हो गई है। तो अभी हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। तो अभी मैं इसमें चिकन को मिला लूंगी। मिला लूंगा, मैं लगा हूँ।
चिकन पक जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है। व्यूअर्स, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और नीचे बेल का आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। इससे आपको मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वाओ, सो नाइस, कितना अच्छा कलर आ गया है और चिकन हमारी पक चुकी है। देखिए, आप देख सकते हैं। तभी मैं गैस की फ्लेम को ऑफ करती हूँ और सारे चिकन को प्लेट में ट्रांसफर कर देती हूँ। देखिए व्यूअर्स, चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है। व्यूअर्स, नूडल्स भी हमारे बॉईल हो चुके हैं, चिकन भी फ्राई हो चुकी है। तो अभी हम चिकन नूडल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन को गर्म करने के लिए रख दिया था, तो अभी मैं इसमें 2 टेबलस्पून जितना ऑयल मिला लूँगी। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। व्यूअर्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अभी मैं इसमें चॉप्ड गार्लिक मिला लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गार्लिक को हमें सोते करना है, हमें ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। साथ ही में मैं इसमें जिंजर गार्लिक और चिली पेस्ट भी मिला लूँगी। को भी सोते कर दूंगी। और अभी मैं इसमें सारी वेजिटेबल्स मिला लूंगी। सबसे पहले मैं कैप्सिकम डाल दूंगी, कैरेट, कैबेज, और अनियन। वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। सारी वेजिटेबल को बराबर से सोते करना है। जब भी आप चाइनीज बनाएं, फुल फ्लेम पर ही बनाइए, इसे लो फ्लेम पर नहीं बनाना है। आप लो फ्लेम पर बनाएंगे तो वेजिटेबल्स में से पानी छूटेगा। देखिए, सारी चीज़ों को मैंने बराबर से मिक्स कर लिया है। अभी इसे 2-3 सेकंड तक हम सोते करेंगे। व्यूअर्स, एक साइड पर हमारे सारे वेजिटेबल सोते हो रहे हैं, तो हम यहाँ अपनी सॉस को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं टोमेटो केचप में चिली गार्लिक सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, वाइट विनेगर, ब्लैक पेपर और चिकन क्यूब। अगर चिकन क्यूब आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी मिला लूँगी और सारी चीज़ों को बराबर से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर हमारी सारी वेजिटेबल्स सोते हो चुकी हैं, तो अभी मैं इसमें नूडल्स मिला लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही में मैं इसमें फ्राई की हुई चिकन भी मिला लूँगी। और जो हमने सॉस रेडी की है वो भी मैं मिला लूँगी। अब इन सारी चीज़ों को बराबर से मिक्स कर लेना है। मैंने इसमें नमक नहीं मिलाया है,
क्योंकि सारे सॉसेस में नमक होता है, तो आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक मिला सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, इस तरह से दो चम्मच लेकर सारे नूडल्स को मिक्स कर लेना है और लास्ट में हमें इसमें स्प्रिंग अनियन डालना है। देखिए व्यूअर्स, चिकन नूडल्स हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अभी मैं गैस की फ्लेम को ऑफ करती हूँ और गर्मा गर्म इसे सर्व करती हूँ। देखिए व्यूवर्स, चिकन नूडल्स को मैंने सर्व कर लिया है। आप भी इसी तरह से बनाइए, खाइए और घर वालों को खिलाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा आपको ये चिकन नूडल्स की रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और नीचे बेल का आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।